हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 और जावा 42 के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों बाइक के लुक्स को लेकर। लुक्स की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर दोनों ही बाइक रेट्रो स्टाइल में नज़र आने वाली है। दोनों ही बाइक आपको काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर नज़र आएंगी। अगर हम लोग बात करते हैं न्यू बुलेट 350 के बारे में तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो आपको एकदम ओल्ड स्कूल नज़र आने वाला है। जो बाइक है वो आपको हर एक एंगल से काफ़ी हैवी भी नज़र आने वाली है। अगर आप इस बाइक की तरफ देखते हैं तो आपको ये प्रॉपर क्लासिक बाइक नज़र आएगी। वहीं जावा 42 की तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी आपको एक रेट्रो क्लासिक मशीन नज़र आने वाली है। एंड इस बाइक का जो लुक है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल नज़र आएगा। अगर यहाँ लुक के मामले में किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो मैं ये कहूँगा कि एक मुश्किल काम हो सकता है। वैसे भी जो लुक है वो सब्जेक्टिव होते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको इन दोनों में से लुक के मामले में कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर लगती है। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों बाइक के इंजन को लेकर तो आपको जावा 42 में नज़र आने वाला है 294 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 27.3 PS की पावर एंड 26.8 Nm का टॉर्क। यह इंजन आपको 6-speed गियर बॉक्स के साथ में नज़र आने वाला है। वहीं बुलेट 350 में आपको नज़र आएगा 349 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 BHP की पावर एंड 27 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको 5-speed गियर बॉक्स के साथ में नज़र आने वाला है। यहाँ अगर आप पावर फिगर की तरफ ध्यान देंगे तो आपको दोनों ही बाइक के अंदर ऑलमोस्ट सेम टॉर्क ही नज़र आने वाला है। लेकिन अगर बात की जाए BHP को लेकर तो आपको ऑलमोस्ट 7 BHP ज़्यादा दिखाई देने वाली है जावा 42 के अंदर बुलेट 350 के कंपेयर में। अगर आप इन दोनों बाइक को टेस्ट राइड करते हैं तो आपको ये जो पावर का डिफरेंस है ये नज़र आने वाला है। जावा 42 आपको ज़्यादा पिकअप प्रोवाइड करेगी एंड जो टॉप स्पीड है वो भी आपको जावा 42 के ज़्यादा दिखाई देने वाली है। जहाँ बुलेट 350 आपको 120+ KMPH की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है, वहीं जावा 42 आपको 140+ KMPH की स्पीड प्रोवाइड करने वाली है। यानी कि आपको यहाँ जावा 42 एक ज़्यादा फास्ट मशीन नज़र आएगी। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर तो आपको जावा 42 में नज़र आने वाला है 182 kg का वेट। वहीं बुलेट 350 आपको दिखाई देगी 195 kg वेट के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको 13 kg वेट का डिफरेंस यहां पर दिखाई देगा। जावा 42 आपको लाइटर मशीन नज़र आने वाली है इन दोनों के कंपेयर में। साथ ही साथ अगर हम लोग फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तरफ एक नज़र डालते हैं तो आपको दोनों ही बाइक ऑलमोस्ट सेम फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में नज़र आने वाली हैं। जावा 42 के अंदर आपको दिखाई देगा 13.2 L का फ्यूल टैंक, वहीं बुलेट 350 आपको दिखाई देगी 13 L फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको सिर्फ 0.2 L फ्यूल टैंक कैपेसिटी का डिफरेंस नज़र आने वाला है। अगर बात की जाए यहाँ माइलेज फिगर को लेकर तो आपको बुलेट 350 प्रोवाइड कर सकती है अराउंड 37 KMPL का माइलेज, वहीं जावा 42 आपको प्रोवाइड करने वाली है अराउंड 32 KMPL का माइलेज। यानी अगर हम लोग यहाँ माइलेज को कंसीडर करें तो आपको बुलेट 350 एक ज़्यादा बेहतर बाइक नज़र आएगी माइलेज फील्ड में। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के सीट हाइट को लेकर तो आपको जावा 42 के अंदर नज़र आने वाली है 765 mm की सीट हाइट, वहीं बुलेट 350 आपको दिखाई देगी 805 mm सीट हाइट के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको यहाँ पर 40 mm सीट हाइट का डिफरेंस नज़र आने वाला है। मैं ही बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पर एक नज़र डालते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ तो आपको जावा 42 के अंदर नज़र आने वाला है सिर्फ 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं बुलेट 350 आपको नज़र आएगी 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो बुलेट 350 के अंदर आपको डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस नज़र आने वाला है। यानी कि अगर आप इस बाइक को टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करेंगे, ख़राब रोड कंडीशन में राइड करेंगे तो ये बाइक नीचे टच होकर स्क्रैच होकर आपको परेशान नहीं करने वाली है। वहीं जावा 42 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको लोअर साइड पे नज़र आने वाला है। यानी कि अगर आप इस बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करेंगे तो ये बाइक नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर टच होकर आपको परेशान करने वाली है।
और ये जो इश्यूज हैं वो आपको और भी ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे अगर आप इस बाइक को पिलियन के साथ में राइड करते हैं। जावा 42 के साथ में ग्राउंड क्लियरेंस के इतने ज़्यादा इश्यूज हैं कि आप इस बाइक के साथ में कॉर्नरिंग भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि जावा को यहाँ अपने ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। एंड ये जो प्रॉब्लम है ग्राउंड क्लियरेंस की, ये आपको हर एक बाइक के साथ में नज़र आने वाली है जावा की, चाहे जावा क्लासिक हो, जावा पिराग हो, जावा 42 बाबर हो, हर एक बाइक के अंदर आपको 145 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस नज़र आता है, जो कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से काफ़ी लो है। यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में आपको यहाँ पर बुलेट 350 एक ज़्यादा बेहतर बाइक नज़र आने वाली है जावा 42 के कंपेयर में। अगर बात की जाए इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप को लेकर, तो आपको बुलेट 350 में फ्रंट में नज़र आने वाला है सिंपल टेलीस्कोपिक 41 mm फॉर्क, एंड रियर में आपको नज़र आएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। वहीं जावा 42 में फ्रंट में आपको नज़र आने वाला है सिंपल टेलीस्कोपिक 35 mm फॉर्क, एंड रियर में आपको नज़र आएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। यहाँ अगर हम लोग सस्पेंशन की फील को लेकर बात करें, सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, तो आपको जावा 42 स्टिफर सस्पेंशन सेटअप के साथ में नज़र आने वाली है। अगर आप इस बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में राइड करेंगे, बैड रोड पैचेस के ऊपर अगर आपको राइड करना पड़ेगा, तो इस बाइक को राइड करते हुए आपको जो पोटहोल्स वगैरह हैं, जो गड्ढे वगैरह हैं, उनके जर्क को अपनी बॉडी के ऊपर फेस करना पड़ेगा। यानी कि आपको ये बाइक ख़राब रोड कंडीशन में काफ़ी स्ट्रगल करती हुई नज़र आने वाली है। वहीं बुलेट 350 का जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको सॉफ्टर साइड पर नज़र आने वाला है। अगर आप इस बाइक को टूटे फूटे रास्तों के ऊपर ख़राब रोड कंडीशन में राइड करेंगे, तो ये बाइक आपको पोटहोल्स को, गड्ढे वगैरह को काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हुए नज़र आने वाली है। यानी कि अगर इन दोनों में से किसी एक बाइक को चूज़ करना हो सस्पेंशन के मामले में, तो आपको यहाँ पर बुलेट 350 एक ज़्यादा बेहतर बाइक नज़र आने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सेटअप को लेकर, तो आपको दोनों ही बाइक डुअल चैनल ABS के साथ में नज़र आने वाली हैं। बुलेट 350 के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन भी दिखाई देगा, जहां आपको रियर में 153 mm का ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। बात अगर ब्रेक साइज़ को लेकर की जाए, तो आपको बुलेट 350 में फ्रंट में नज़र आने वाला है 300 mm का डिस्क ब्रेक, एंड रियर में आपको नज़र आएगा 270 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं जावा 42 में आपको फ्रंट में नज़र आएगा 280 mm का डिस्क ब्रेक, एंड रियर में आपको नज़र आएगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। यहाँ अगर हम लोग ब्रेकिंग बाइट को लेकर बात करें, तो आपको बुलेट 350 का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आने वाला है। ये जो बाइक है आपको एनफ बाइट प्रोवाइड करेगी, इस बाइक को राइड करते हुए आपको एनफ कॉन्फिडेंस फील होने वाला है। वहीं जावा 42 का जो ब्रेकिंग बाइट है वो आपको काफ़ी कम नज़र आएगा। बाइक ठीक ठाक परफॉर्म करती है ब्रेकिंग के मामले में, लेकिन इसको जावा को अपनी तरफ से बेहतर करना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग ब्रेकिंग फील्ड में भी देखते हैं, तो आपको यहाँ पर बुलेट 350 एक ज़्यादा बेहतर बाइक नज़र आने वाली है। अगर बात की जाए टायर साइज़ को लेकर, तो आपको बुलेट 350 में फ्रंट में नज़र आने वाला है 100x90 का 19 inch का टायर, एंड रियर में आपको नज़र आएगा 120x80 का 18 inch का टायर। वहीं जावा 42 में आपको फ्रंट में नज़र आने वाला है 90x90 का 18 इंच का टायर, एंड रियर में आपको नज़र आएगा 120x80 का 17 इंच का टायर। यहाँ अगर आप टायर साइज़ की तरफ ध्यान देंगे, तो आपको बुलेट 350 में फ्रंट में ज़्यादा वाइड टायर नज़र आने वाला है जावा 42 के कंपेयर में। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक की प्राइसेस को लेकर। बुलेट 350 के बेस वेरियंट के लिए आपको पे करने होंगे 1.74 लाख रुपीज़, वहीं टॉप वेरियंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.16 लाख रुपीज़। अगर बात की जाए जावा 42 के बारे में, तो आपको यहाँ पर बेस वेरिएंट के लिए पे करने होंगे 1.67 लाख रुपीस, एंड टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 1.81 लाख रुपीस। अगर आप यहाँ प्राइजेस पर ध्यान देंगे, तो बुलेट 350 आपको यहाँ एक ज़्यादा कॉस्टली बाइक नज़र आने वाली है। दोनों बाइक के बेस वेरियंट के बीच में आपको अराउंड 7000 रुपीस का डिफरेंस नज़र आने वाला है, एंड टॉप वेरियंट की अगर बात की जाए, तो आपको दोनों ही बाइक के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपीज़ का डिफरेंस यहाँ पर नज़र आने वाला है। यहाँ मैंने जितने भी प्राइसेस बताए हैं, ये एक्चुअल बताए हैं एंड राउंड फिगर में बताए हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में, कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा सही रहेगी, आपको किस बाइक को परचेज करना चाहिए। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक ज़्यादा हैवी लुकिंग बाइक को राइड करना है, अगर आप एक ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक को राइड करना चाहते हैं, अगर आप अपनी बाइक के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो डिसेंट चाहते हैं, अगर आप अपनी बाइक का जो सस्पेंशन सेटअप है वो ज़्यादा बेहतर चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आपको अपनी बाइक से ज़्यादा माइलेज भी चाहिए, अगर आप एक ज़्यादा स्मूथ इंजन के साथ में बाइक को राइड करना चाहते हैं, एंड साथ ही साथ जो बाइक का बजट है वो आपके लिए मैटर नहीं करता है, तो फिर मैं कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक ज़्यादा फास्ट बाइक को राइड करना है,
अगर आपके लिए जो इंजन के वाइब्रेशन हैं वो मैनेजेबल हैं, आप मोस्ट ऑफ द टाइम सिटी में ही राइड करते हैं, गुड रोड कंडीशन में ही राइड करते हैं, जो स्टिफर सस्पेंशन सेटअप है वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लो ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में अगर आप मैनेज कर सकते हैं, साथ ही साथ जो बाइक का बजट है वो आपके लिए मैटर करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि जावा 42 आपके लिए हो सकती है। वीडियो के लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।